हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने आज ज्योमेट्री की शुरुआत करनी है, और ज्योमेट्री में जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में लिखे होते हैं। जैसे एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के सेंटर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट आने चाहिए। देखो, ज्योमेट्री आपका कंप्लीट तो नहीं है, थोड़े से टॉपिक का तीन चार वही हमें पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा में ज्यादा नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपको थोड़े से बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ कॉमर्स से होते हैं, इसको मैथ अभी जिसने नहीं पढ़ा होता तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी हो जाता है। जैसे कि पता है कि मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं बेसिक कंसिडर करता हूँ सबसे पहले पढ़ाना, क्योंकि बेसिक आता है तो आगे चलोगे। अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर आप कभी भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक बच्चे को समझ आए, और क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग बेसिक को भी अच्छे से सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सिंपली आपको समझाता चला जाऊंगा, ठीक है? तो एक लाइन जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, तो सीधा इसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कौन सी लाइन? एक होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? सबको पता होना चाहिए, ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है? एक होती है आपकी कौन सी लाइन? कर्व लाइन। तो सब कुछ पहले आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जब बीच में टर्म यूज करेंगे तब आपको इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? ये होती है आपकी कर्व लाइन। चलिए हम दूसरी तरह बना देते हैं, जैसे ऐसे लाइन होगी, इसको बोलते हैं कर्व लाइन। तो पता है सबको? अच्छा, उसके बाद आता है आपका क्या? लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं इसके? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दैट, तो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाला, एक हो गया एंड वाला, तो इसको बोलते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होती है? सिंपल लाइन कोई भी जिसका कोई पॉइंट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल सीधी प्लेन लाइन। कर्व लाइन सबको नाम से पता चल रहा है, जो कर्व की तरह होती है। और हम बात करेगा लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट कौन सी होती है? लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि रे क्या होती है। रे तो रे कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जैसे सन रे बोलते हैं, सन रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सन से निकलता है और आगे वो इनफाइनाइट तक जाता है, वो तो सन रेज उसको बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। चलिए इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? जैसे हम बोलेंगे, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो हम इसको बोलेंगे ए बी लाइन। तो इस तरह से ड्रा कर देंगे कि ए से बी की साइड है, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, छोटे छोटे पॉइंट मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, सो एज आपको एटलीस्ट ये पॉइंट तो पता होने चाहिए। हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, और लाइन कैसे हो सकती है? दो लाइनें आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि आप कोई भी पॉइंट से ले लो, कोई भी पॉइंट से ले लो, उन सबकी हाइट क्या होगी? इक्वल होगी। कहीं से भी आप सीधा बीच में से डिस्टेंस मेजर करो, वहां पे हाइट क्या होगी? उसकी बराबर होगी। जैसे ए बी सी डी, एक लाइन ए बी है, एक सी डी है, तो हम बोलेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? दोनों लाइनों के बीच में आप कहीं भी चले जाओ, वो ना तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और उसमें हमेशा दोनों में डिस्टेंस एक जैसा रहेगा। यहां तक क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग, एक सेकेंड, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन क्या होता है? तो कोई भी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करे, यहां पे ओ पॉइंट, तो ओ कौन सा पॉइंट हुआ? ओ पॉइंट हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं छोटा सा पॉइंट जिसको हम बोलेंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे टॉपिक के ऊपर, कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं।
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन। तो दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका मतलब क्या होगा? ऐसी कोई भी लाइन आपस में दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। अगर वो क्या है बीच में, एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बने, दोनों के बीच में एंगल क्या बने? 90 डिग्री। तो इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा, जैसे ए बी सी डी, तो मैं बोलूंगा जो सी डी लाइन है, जो सी से डी तक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? ऐसी कोई भी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां तक क्लियर है? लाइन के बारे में मैंने बता दिया। देखो मेन या आपको सीखने वाली बात है, लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसके दो पॉइंट होते हैं, इनिशियल और एंड पॉइंट। रे क्या होता है? एक स्टार्टिंग से पॉइंट, दूसरी साइड से कोई पॉइंट नहीं होता। पैरेलल लाइन तो आपको पता है, दोनों लाइनों को ऐसे ड्रा करो कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना करें और कहीं भी आगे चलती चली जाए दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों का मिलना, इंटरसेक्ट करना। तो लाइनों को इंटरसेक्ट, यहाँ पे दोनों लाइनें आपस में कटती हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? जब बीच में से 90 डिग्री बने उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ओके नेक्स्ट हम जान लेते हैं गाइज, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, अभी इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल्स क्या होते हैं। यहां से आपकी कहानी थोड़ी थोड़ी शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइन आपको पता चल गया, लाइन में कुछ पढ़ने वाला नहीं था। अब एंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, तो इसलिए एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल किसको बोलते हैं? तो एंगल किसको बोलते हैं इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लिखनी है तो लिख लो। वेन टू रेज हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंडिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट और सेम एंडिंग पॉइंट, देन एन एंगल, देन एन एंगल एक सेकेंड बिट करना, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। जब दो रेज, जैसे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ एंगल किसको बोलते हैं। चलिए एक रेज मैंने ऐसे ले ली, मान लीजिए एक रेज मैंने ऐसे ले ली एंड दूसरी मैंने यहां से ले ली, दो रेज होगी। अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। थीटा से मैं फिलहाल इसको डिनोट कर रहा हूँ, थीटा से, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो दो लाइनों के बीच में एंगल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बनना। अब टाइप ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेकेएसएसबी से तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मान के चलिए सॉरी मान के चलिए जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है ऊपर वाला पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, उसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7-8 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे जो आपका ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है नीचे वाला, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7-8 क्वेश्चन आपको जो पढ़ाया जाएगा, इसको आप एज इट इज पढ़ लेना, जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। इनका लेवल कुछ है ही नहीं है पहली बात तो। टाइप्स ऑफ एंगल की बात करें तो एक तो होता है एक्यूट एंगल, कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट वर्ड से ही वर्ड समझ आ रहा है, क्यूट, क्यूट मतलब छोटा सा, क्यूट मतलब छोटा सा। तो ऐसा कोई भी एंगल जो क्या हो, जो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, क्योंकि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ही 0 हो जाए तो लाइन बीच में एंगल पॉसिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। एक तो वो ग्रेटर देन होगा 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री।
ऐसा कोई भी एंगल दो लाइनों के बीच में, ऐसा कोई भी एंगल, ऐसा कोई भी डिग्री एंगल वाला एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और क्या हो मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो कोई भी एंगल, और 0 से बड़ा हो, क्योंकि 0 पे तो एंगल होता ही नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए कुछ डिग्री। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ एक्यूट एंगल कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसको मैं बोलता हूँ एक्यूट एंगल। उसको क्या बोलता हूँ? एक्यूट एंगल। इस यहां से मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, हेयर वी कैन से डैट 0 डिग्री से बड़ा होगा वो एंगल, कोई भी एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 15, 47 कुछ भी हो सकता है, और 90 से छोटा। और आप ऐसे ही बोल सकते हो 0 से बड़ा होगा पाई बाय 2 और 90 से छोटा, ठीक है? तो इसको ना भी लिखो, इतना फिलहाल याद रखो। क्या इतना याद रखो कि ऐसा जो एंगल मैं निकाल रहा हूँ, ये एक्यूट एंगल, वो कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसको मैं बोलूंगा एक्यूट एंगल। दूसरा कौन सा हो सकता है? वी कैन से डेट एब्ट्यूज एंगल। क्या हो सकता है? एब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट से मतलब क्यूट वर्ड समझ आ गया था, तो एब्ट्यूज कौन सा हो जाएगा फिर? एब्ट्यूज कौन सा हो जाएगा? ऐसा कोई भी एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, जैसे 110 डिग्री, 91 डिग्री, 100 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। किसी के बीच में 180 का एंगल बनेगा तो वो स्ट्रेट बनेगा। मान लो एक लाइन ये है, दूसरी साइड से ऐसे आई, एक लाइन यहाँ पे खत्म हुई, दूसरी यहाँ से सीधी, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। टोटल सर्कल बन जाएगा 360 पे। ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने एंगल बताया कोई भी दो लाइन के बीच में, कोई भी दो रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल कितने कितने टाइप का हो सकता है? एक हो सकता है एक्यूट एंगल, ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, इतना याद रखो, और 0 से तो बड़ा होगा डेफिनेटली। एब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े वाला, इतने से बात बन जाएगी। और ये भी बोला जा सकता है कि कितने से कम, 180 डिग्री से कम भी होना चाहिए, ठीक है? चलिए थर्ड कौन सा हो सकता है? थर्ड होता है एक आपका राइट एंगल। तो राइट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टर्न लेना या राइट टर्न लेना, तो क्या बोलते हैं? राइट टर्न ले लो। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ऐसा कोई भी एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दो लाइनों के बीच में जब वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है राइट एंगल, जिसको आप लोग पाई बाई 2 से डिनोट करते हो। पाई को हम लोग 180 बोलते हैं, 180 बाई 2 करोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? पाई बाई 2 रेडियन। ये भी आपका एक टॉपिक है जिसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्लियर है यहां तक? चलिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ आएगा आपको, बस आपको ईमानदारी से जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ना है, बाकी आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? और मैथ आपको पता है कि जेक्यूएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे सबसे बेस्ट ही मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एंगल इक्वल टू हो गया, इसमें आएगा, आप बोल सकते हो एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। वो कौन सा था? पाई बाय 2 रेडियन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एंगल कौन सा होता है, तो पाई बाय 2 रेडियन होता है, उसी को बोलते हैं 90 डिग्री के बराबर या पाई बाय 2 रेडियन के बराबर। स्ट्रेट एंगल ऐसा कोई भी एंगल जो 180 डिग्री पे होता है। जैसे आप कैसे बनाओगे इस एंगल को? एक लाइन इस साइड, दूसरी लाइन इस साइड, ऐसे लिखोगे दो रे स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? क्योंकि एक लाइन जहां से स्टार्ट हुई दूसरी भी यहीं से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, इसके बीच में एंगल जो बनता है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इस साइड, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं पाई रेडियन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई मेरी बात। एक्यूट एंगल सर 90 से छोटे वाला, एक्यूट मतलब क्यूट। एब्ट्यूज एंगल सर 90 से बड़े वाला, 180 से छोटा। सर राइट एंगल 90 डिग्री वाला, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन। यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर होगी। अब आती है बारी आगे, जो कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाना, इसमें आपको मैं समझा देता हूँ, आप बोल सकते हो। इसके नोट्स आपको एज इट इज ऐप में मिल जाएंगे, जिस भी बच्चे ने हमारा पेड ऐप ज्वाइन कर लिया है, तो नोट्स फिलहाल हम वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। इसका जो भी पीडीएफ होगा, आपको जो क्लास हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिलता चला जाएगा।
वैसे पीडीएफ की जरूरत होनी नहीं चाहिए, खुद कॉपी बनाओ। सेट टू बी, बाकी मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमेशा बीएमसी क्लासेस भी अजय पे ही करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी। और जेकेपी में हमने जितना भी पढ़ाया था, मैथ, रीजनिंग, जीके और पॉलिटी, जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने जो पढ़ाया था उसी में से आया था। हालांकि टाइम बहुत कम था आप लोगों के पास, जिसको हमने फिर भी कोशिश करी खत्म करने की और ऑलमोस्ट खत्म भी किया था। चलिए इसको देख लेते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलेंगे कब, जब वो क्या हो जाए, इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम कह सकते हैं वी कैन से दैट पाई बाय 2 रेडियन। तो रेडियन समझ आ गई क्या होता है, पाई बाय 2 रेडियन। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे समझ लो किसी को क्या करना, कॉम्प्लीमेंट देना, क्या करना किसी को, कॉम्प्लीमेंट देना। चलिए थोड़ी सी नोट्स को भी हम अच्छा बनाते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने क्यों स्पेशली मेंशन करा, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे कोई भी एंगल होंगे, कोई भी किसी के दो एंगल के बीच में, अगर मैं बोलता हूँ एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा कितना होगा, एक 45 डिग्री, दूसरा कितना होगा, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्री। दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, शुड बी 90 डिग्री। अगर 90 बन गया, डेट मीन्स कि वो दोनों आपस में एंगल कैसे हैं, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एक एंगल है ए डिग्री, एक ए है दूसरा बी है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा बी का अगर ये दोनों का टोटल कितना आ जाए 90 डिग्री। जैसे मैं बोलता हूँ ए मान लीजिए 40 डिग्री है और एंगल बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, दोनों का सम कितना है 90, दैट मींस ए और बी क्या है, दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात क्लियर हुई, एंगल से बात चली थी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, आपका धीरे धीरे सेंटर भी स्टार्ट हो जाएगा भी, क्योंकि आपको लाइन और एंगल के बारे में पता होना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया सर 90 डिग्री से कम वाला, जीरो से बड़ा होना ही चाहिए। एब्ट्यूज एंगल सर 90 डिग्री से बड़े वाला एंगल एब्ट्यूज कहलाता है। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल वाला, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री वाला या पाई रेडियन, और इसी से हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा कोई भी एंगल जिसके बीच में दोनों का सम कितना हो जाए 90, अगर एक का सम दूसरे से मिला के 90 बन रहा है, दैट मींस कि दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी के साथ एक और आ जाता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, ऐसा कोई भी एंगल जब दो एंगलों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, क्या हो जाए, दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, मतलब आप बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर 180 हो जाए, तो डैट मींस इसको मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले, हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डैट मींस ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का सम 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम आपका क्या होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए आपका 90, और सप्लीमेंट्री में 180, कॉम्प्लीमेंट्री में 90। देखो अगर मैं इसी में क्वेश्चन बना दूं आपको, मैं बोलूं एंगल ए जो कि 130 डिग्री है, तो बी इसका सप्लीमेंट्री है, बी क्या है इसका, सप्लीमेंट्री है, तो मुझे बताइए एंगल बी क्या होगा। तो हिंट दे दिया कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर एंगल ए की वैल्यू पुट करें तो 130 है, एंगल बी आपका निकल जाएगा, तो एंगल बी कितना आया 50 डिग्री, तो एंगल बी निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता कि सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 होता है, वो तो वैसे भी ये क्वेश्चन भी उसके लिए टफ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक खत्म हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट था, सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट था। कॉम्प्लीमेंट्री मीन जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री मीन जब दोनों एंगलों का सम 180 होता है। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन क्या पढ़ना है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ने हैं, ठीक है। चार तरह के सेंटर होते हैं, इन सबको हमें पढ़ना है एक एक करके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें, हालांकि आपको पता होना चाहिए
लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सो एज आपको ये ना लगे कि सर हमें ये पहले मैथ नहीं आता था इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, अब हम मेन चीज पे आ रहे हैं जो हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ने हैं? सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की। देखिए मीडियन से कौन सा सेंटर बनेगा। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी करवाई जाएगी कि आपको साथ साथ सब कुछ लर्न हो जाएगा। पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन बनाएंगे एक एक करके, ठीक है। अब मैं आज आपको दो पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं चारों के चारों बता दूंगा, बाकी हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। पहले एक पकड़ेंगे ट्राइंगल, उसका एक सेंटर लेके उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दूसरा पकड़ के, चार सेंटर बनने हैं आपको। एक सेंटर पढ़ना है, इन सेंटर पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, और आपको सर्कम सेंटर पढ़ना है। चारों सेंटर पढ़ने हैं, चारों कैसे बनते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आपको सेंटर बताता हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम क्या होता है? अ लाइन, उतार सकते हो आप कॉपी पे, ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल विच डिवाइड्स द साइड इन टू टू इक्वल पार्ट्स। अभी समझाता हूं आपको, इज कॉल्ड अ मीडियन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीडियन क्या होता है। एक वर्टेक्स है, अब बच्चों को ये नहीं पता होगा सर वर्टेक्स किसको बोलते हैं। चलिए धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब कुछ समझ आएगा। जब ये कंप्लीट होने पाएगा तब मैं आपको पूछूंगा, बताइए अब आपको कहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं। कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। चलिए ओके, यहां से इन दो पॉइंट के बीच में से कुछ भी आ रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। किसी भी दो पॉइंटों के बीच में से निकल के आ रहा है यहां से कॉर्नर से, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। उसने क्या बोला था? एक लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम अ वर्टेक्स, किसी भी यहां से ले लो, इस वर्टेक्स से ले लो या इस वर्टेक्स से ले लो। वर्टेक्स मतलब इस पॉइंट से पास हो जाए, मतलब वर्टेक्स से पास हो रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन किसी भी वर्टेक्स से पार करो टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। उसको कहां तक ले जाओ? अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये अपोजिट साइड इसकी ये आ गई, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड ये आ गई। इसको नाम रखते हैं ए बी सी। मैं बोलूं ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स से लाइन निकलेगी, अपोजिट साइड कौन आ रही है? बी सी। तो यहां तक ले जाओ, फिर उसको क्या बोल रहा है? विच डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां भी ये मिलेगी, इस साइड को वो इक्वल दो पार्ट में बांट देगी। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को डी, तो इसका कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं कि ए मीडियन है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। ए मीडियन है किसके ऊपर? एडी एक मीडियन है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो मीडियन का मतलब होता है ए वर्टेक्स से निकली हुई लाइन किसी भी ऊपर से सामने वाली लाइन पे आके मिल रही है, और वो हमेशा उसको मीडियन का मतलब होता है मीडियम सेंटर। तो इस लाइन के सेंटर में मिलेगी जो दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। अगर मैं बोलूं बी डी, डेट विल बी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि मीडियन है। अगर बी सी लाइन पूरी कितनी है, मान लीजिए पूरी 4 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितनी होगी? 2, और डी सी भी कितनी होगी? 2। दो इक्वल पार्ट में बांटे हुए लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटर तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि हम पढ़ना सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे सेंटर तैयार हो जाता आपका। अब देखिए इसी से आपका सबसे पहला सेंटर तैयार होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गलती से ये मत समझ लेना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने नहीं पढ़ा, सेंट्रोइड को ही बोला जाता है। अच्छा सर, अब सेंट्रोइड कौन सी चीज आ गई? यही तो है सेंटर में जो पढ़ने चार। सेंट्रोइड पढ़ना है, ऑर्थो सेंटर पढ़ना है, इन सेंटर पढ़ना है, सर्कम सेंटर पढ़ना है। चार सेंटर पढ़ने, बस यही से क्वेश्चन होते हैं, यही सेंटर होते हैं। कौन से ट्राइंगल में कैसे बनेगा ये आप खुद बनाओगे। अभी देखो धीरे धीरे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, ट्राइंगल ले लिया, चलिए एक ट्राइंगल ले लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, चार हम लोग क्या खींचेंगे? हम लोग चार खींचेंगे सीधे इसके मीडियन। चार क्या खींचेंगे? मीडियन। अब मीडियन क्या होता है कि सर आपने अभी बोला कि ए वर्टेक्स से निकलेगी, उसके अपोजिट में जाके काटेगी। इसका हमने नाम रख दिया ए बी, इसका नाम रख दिया हमने डी। दूसरी वर्टेक्स निकलेगी बी से और सामने वाली लाइन ए सी को काटेगी दो हिस्सों में। तीसरी निकलेगी सी से और सामने वाली लाइन किसको काटेगी? अब आप ध्यान से देखिए, जो ए डी मीडियन था उसने बी सी को दो हिस्सों में डिवाइड, इट मीन्स कि ये दोनों आपस में बराबर होगी लाइनें।
बी डी और डी सी इक्वल होंगी। अगर हम बात करें बी से वर्टेक्स निकला जो मीडियन है अगर, तो इसका मतलब ये दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, इसको ई नाम दे देते हैं, क्योंकि मैंने बोला बी ई एक आपका क्या है मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, एक वर्टेक्स से निकल के सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बांटना, तो इसका मतलब ए ई और आपका ए सी इक्वल इक्वल हो जाएगा। अगर मैं सी वाले बात करूँ, सी मीडियन जो वर्टेक्स से निकला सी से, तो इसको भी एक हिस्से में बांटेगा, ये तीन तीन एक एक, इसका मतलब होता है कि इसके बराबर ये लाइन है, दो दो का मतलब इन दोनों की ये, क्योंकि अगर मैं इधर भी एक एक लिखता तो इसका मतलब डीसी और आप ईसी भी बराबर कर देते, ये इसका नहीं है, ये सामने वाले डिपेंड करता है, एक ही लाइन के दो हिस्से बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात, आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ पे ये पॉइंट टकराता ना इस पॉइंट को बीच में, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रॉयड। इसका कुछ भी नाम रख दो, सी रख दो, एम रख दो, पी रख दो, कुछ भी रख दो, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉयड। क्या बोला जाता है, अब अगर पेपर में पूछा जाए सेंट्रॉयड कैसे बनता है तो आप क्या आंसर दोगे, तो आप आंसर दोगे अ सेंट्रॉयड, क्योंकि जेकेएसएस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पॉइंट इन फिगर इज द पॉइंट, एक फिगर में एक ऐसा पॉइंट बनता है ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस, थ्री मीडियंस, तीन मीडियन से मिलाने से, तीन मीडियन के मिलाने से जिस भी पॉइंट पर तीनों मीडियन मिलते हैं, देखो एक मीडियन आपका ए डी हो गया, दूसरा मीडियन आपका बी ई हो गया, तीसरा आपका सी एफ हो गया, ये तीनों मीडियन कहाँ पे मिले, एक पॉइंट पे मिले, इस एक पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रोइड। तो क्वेश्चन एग्जाम में आए कि सेंट्रोइड कैसे बनता है, आपका ऑप्शन आ जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाई सेक्टर, तो कुछ भी ऑप्शन आ जाए आपको पता होना चाहिए कि मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसकी प्रॉपर्टी हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसी दिन उसके क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सेंटर कैसे बनते हैं, तो आई होप सेंट्रोइड बनाना आप सीख गए हो। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन क्या होता है गाइस, मीडियन होता है एक ऐसी लाइन किसी भी वर्टेक्स से खींची गई जो अपोजिट साइड को टच करे और उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब सबके मीडियन ट्राइंगल में, तीन वर्टेक्स से हमने तीन मीडियन खींचे, तीन ही मीडियन होंगे इसके, तीन मीडियन खींचने के बाद हम जब उन तीनों पॉइंटों को देखा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वी कैन से दैट सेंट्रॉइड। तो आई होप सेंट्रॉइड कैसे बनता है समझ आ चुकी होगी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात करें इसी को नेक्स्ट पेज, क्योंकि यही नोट्स आपको मैं एडिट करके दूंगा जब आपकी प्रॉपर्टी भी एक ही पेज में लिखवा देंगे हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे गाइस, इन सेंटर। अब इन सेंटर बनता कैसे है, इन सेंटर कैसे बनता है, तो इन सेंटर आपका बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ले लिया दोबारा से, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए पॉइंट है आपका ए, डेट इज बी एंड डेट इज सी, सामने वाले वर्टेक्स मतलब ये एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, ठीक है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है। अब इस पॉइंट से सामने वाली लाइन को कहीं भी मिला दो, वो डिपेंड करता है कैसा ट्रायंगल कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट से कहीं भी मिला दो इसको, इस पॉइंट के कहीं भी मिला दो इसको, इसका मैंने नाम दे दिया डी, इसका दे दिया ई, इसका दे दिया एफ। यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या किया था, इस वर्टेक्स से लाइन लेने के बाद, वर्टेक्स से लाइन लेने के बाद क्या किया मैंने, मैंने सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांटा था, जहां भी दो हिस्से हो रहे हैं वहीं पे मिला रहा था, मुझे कोई लेना देना था एंगल कितना है। लेकिन अब क्या होगा, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये जो एंगल ए है मान लीजिए 40 डिग्री है, इसको दो हिस्सों में 20 20 बंटना चाहिए, इसी हिसाब से डिवाइड करना है, तो ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल होने चाहिए इसके। बी एंगल जितना भी है मान लो 100 डिग्री का एंगल है, तो जब ये मान लीजिए 100 डिग्री है, बीच में से काटोगे तो 50 ही है, 50 ही है, इसी हिसाब से लाइन यहां से खींचनी है, ऐसे लाइन नहीं लेनी कि इस साइड एंगल ज्यादा हो जाए, तो इस दोनों एंगल को मैं इक्वल बोलूंगा। यहां से लेंगे
तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। सामने लाइन पे कहाँ काट रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, वो चाहे इस पर पॉइंट यहाँ पे आके काट ले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है, एंगल वाइज सेक्टर। देखो एंगल वाइज सेक्टर किसको बोलते हैं गाइस, एंगल वाइज सेक्टर किसको बोलते हैं, तो वाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो, सेक्टर को दो हिस्सों में बांटना, तो एंगल को दो हिस्सों में बांटना एंगल बाई सेक्टर कहलाता है। किसी भी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे वो एंगल बाई सेक्टर कहलाता है। जैसे ये मान लो 90 डिग्री है, इसको एंगल बाई सेक्टर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी बन जाएगा 45 डिग्री, ये होता है एंगल बाई सेक्टर। तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब क्या होगा गाइज, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटना, डेट इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर। तो बेसिक सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल आसान लगेगी चीज़ें। मैं आपको पहले बोलो ज्योमेट्री मैथ की सबसे डिफिकल्ट पार्ट में मानी जाती है, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। बस ईमानदारी से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आराम से पढ़ना, ठीक है। चलिए अब इन सेंटर क्या कहलाता है, सर कोई भी एंगल बाई सेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। डेफिनेशन लिख लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये खुद भी लिख सकते हो आप, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाई सेक्टर। अभी मैं आपको पूछू बताइए सेंट्रोइड क्या होता है, आपने बोला था द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, यहां पे क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाई सेक्टर किसी ट्राइंगल का, ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। क्लियर है सबको, एंगल बाई सेक्टर क्या होते हैं मैंने डिटेल में समझा दिया, किसी भी एंगल को दो हिस्सों में बांट के जो लाइन खींची जाती है डेट इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर। एंगल को दो हिस्सों में बांट देना, बाई सेक्ट कर देना, वो तीनों पॉइंट का जहां भी मिलन होगा, इंटरसेक्शन होगा, डेट पॉइंट कॉल्ड, डेट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर समझ आ गया। अब इन सेंटर से आपका एक सर्कल बनता है, इन सेंटर से आपका एक सर्कल बनता है, इन सेंटर से एक आपका सर्कल बनता है, जिस सर्कल को क्या बोलते हैं इन सर्कल बोलते हैं, जिस सर्कल को क्या बोलते हैं इन सर्कल बोलते हैं। अगर इस सर्कल की बात करूं ये वाले की, आप देखिए इस पॉइंट से ये सेंटर है इसका, सर्कल का सबका, ये भी यहां से लेके यहां तक क्या होता है, देखो एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से कहीं भी लाइन को सर्कल पे टच कर दो उसको हम रेडियस कहते हैं। देखो ये भी रेडियस बन गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों इक्वल हो गए। तो जब भी इन सेंटर पॉइंट जो होता है वो आपका क्या बनाता है, इन सर्कल बनाता है, वो बीच में एक सर्कल बनाता है जो ट्राइंगल के पूरा अंदर आएगा। इन सेंटर पॉइंट को लेके आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हो ट्राइंगल के अंदर। तो इन सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ सर, इन सेंटर ऐसा कोई भी पॉइंट जो एंगल बाई सेक्टर के मिलने से बना है। क्लियर होगी मेरी बात, ओके। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, ठीक है तीसरा पॉइंट देखिए आप लोग। अभी हम बात करेंगे सर्कम सेंटर की, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया ऑलरेडी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड बाई सेक्टर। तो बाई सेक्टर का मतलब होता है जैसे एंगल बाई सेक्टर का मतलब एंगल को दो हिस्सों में बांटने वाला, और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मतलब परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री और बाई सेक्टर मीन्स दो हिस्सों में बांटने वाला, किसको, किसी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, तीनों सेंटर को छोड़ के चौथा सेंटर ऐसा होता है जिसकी जो लाइन है नॉट कंपल्सरी टू पास थ्रू वर्टेक्स। अब हम जितने भी लाइनें ड्रॉ करते थे सामने वाले साइड तक वो हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट करते थे, मतलब ए से पास होके फिर आगे सामने साइड पर टच कर रहे थे, लेकिन ये बोलता है सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ध्यान में रखो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक अगर आप ट्राइंगल ले लो ऐसे, ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट का इसका 90 डिग्री ड्रा करो, यहाँ पे सीधी लाइन 90 डिग्री सीधी खींचनी है तो वो ऐसे आएगी, हो सकता है वो इससे पास ना हो वर्टेक्स से। इस पॉइंट की लाइन लो, हो सकता है वो इस पॉइंट से पास ना होके इस पॉइंट से ये सेंटर कहीं से भी ले लो, मीडियम भी करना ना दो हिस्सों में बांटने वाली, इसका सेंटर पॉइंट से 90 बनाना तो 90 क्या पता वो ऐसे करके तो एक इमेजिनरी लाइन पे कहाँ पे जाके मिले, सेंटर पे बाहर भी मिल सकती है, जरूरी नहीं होता कि वो सामने वर्टेक्स से पास हो। हम जितनी भी लाइनें ड्रा कर रहे थे चाहे हमने इन सेंटर में पढ़ा चाहे हमें सेंटर में पढ़ा, वो हम वर्टेक्स से स्टार्ट करके सामने लाइन को टच करते थे, दो लाइन इस समय बांटना। लेकिन अब वो रहा है कि सिर्फ आप ध्यान में रखो
सिर्फ आप ध्यान में रखो कि 90 डिग्री हो और लाइन को दो हिस्सों में बांट के वो लाइन जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे कहाँ से निकल रही है ये कोई डिपेंड नहीं करता, और वो जिस पॉइंट पे तीनों पॉइंट मिलेंगे वहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो ट्राइंगल के तीनों बाहर बाहर पोर्शन को टच करता हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ पे वर्टेक्स से पास हो ना हो ये डिपेंड करता है ट्राइंगल के ऊपर। इक्विलेटर में हो जाता है, आइसोसेल्स में हो जाता है, बाकी वाले में नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आपको पता चल गया कि सर्कम सेंटर कैसे बनता है। सर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन है ट्राइंगल की, वहां से क्या करो, एक तो परपेंडिकुलर खींचो 90 डिग्री का, बट सेंटर में जिसको जो लाइनों को दो हिस्सों में बांटे वहां से खींचना है। तो आगे लाइन कहाँ से जा रही है, ये वर्टेक्स से जा रही है कि नहीं जा रही, वो डिपेंड करता है ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, ये वर्टेक्स से पास होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है ट्राइंगल। हमने यहाँ पे बना दिया बीच में से पास कर रहे हैं वर्टेक्स से भी, क्योंकि हमें इक्वेटेड ट्राइंगल ले लिया लगभग। तो ये होता है आपका क्या, सर्कम सेंटर। अब तीसरे सेंटर की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। जैसे मैं यहां पे लेता हूं पॉइंट, इसको वर्टेक्स से लेना है, सामने वाली लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसको वर्टेक्स से लेना है तो सामने वाली लाइन पे क्या करना है, आपको सामने वाली लाइन पे आपको सीधा 90 डिग्री पे मिलाना है। क्या करना है, 90 डिग्री पे मिलाना है। अब ये जरूरी नहीं है, देखो वर्टेक्स से स्टार्ट करनी है, कहां से लेनी है, वर्टेक्स टू ऑपोजिट लाइन, वर्टेक्स से लेके सामने वाली लाइन के ऊपर ऐसी जगह मिलाओ यहां पे ये सीधी लाइन बीच में से क्या, इस एंगल के बीच में कितना बना दे 90, और इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगी ये, वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सिर्फ 90 डिग्री है लेकिन वर्टेक्स से लेके आगे वाली, एक यहां से लाइन लोगे, एक इस वर्टेक्स से निकाल के सामने ऐसी जगह मिलाओगे जहां पे ये जो सामने वाली लाइन है एसी, इसके ऊपर क्या बने 90 डिग्री, यहां से मिलाओगे यहां बने के 90। मतलब वर्टेक्स से स्टार्ट करके सामने वाली लाइन पे ऐसी जगह टच करना है, उसको ऐसी जगह इंटरसेक्ट करना है यहाँ पे, वो बीच में एंगल कितना बनाते हैं 90 डिग्री, ये वाला एंगल बन जाए बीच में कितना 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट बनेगा दैट पॉइंट इज नोन एज, इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अभी मैंने आपको सिर्फ सेंटर समझाने की कोशिश करी है कि वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि वो कैसे बनते हैं। मैं दोबारा से एक बार जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करता हूँ, फिर इसको अगली क्लास में देख के आना। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक पकड़ के उसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, इन सेंटर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लास को रिकैप करता हूँ। सबसे पहले हमने आज स्टार्ट करना था सेंटर ऑफ ट्राइंगल। हमने पहले आपको बताया कि लाइन क्या होती है, तो सिंपल लाइन क्या होती है बता दिया। इसमें आपको लाइन सेगमेंट का पता होना चाहिए जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और रे होता है जिसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एंड नहीं होता। फिर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के लिए हमने क्या पढ़ा कि एंगल कैसे कैसे होते हैं, किसी भी दो लाइंस के बीच में बनने वाला, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट करो, दोनों लाइन को एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करो तो उसको एंड पॉइंट तक कहीं भी ले जाओ, तो उसमें बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं क्या, एंगल। एंगल कैसा कैसा हो सकता है दो लाइनों के बीच में, एक्यूट हो सकता है, कैसा हो सकता है वो, हो सकता है आपका एक्यूट हो सकता है, ठीक। उसके बाद एब्ट्यूज एंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, फिर स्ट्रेट एंगल हो सकता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है। सब में क्या क्या फर्क होता है देखिए, एक्यूट एंगल मतलब जिसका एंगल बीच में क्या बने 90 डिग्री से कम हो, वो 0 से तो बड़ा हो गई। एब्ट्यूज क्या होता है, जिसका एंगल 90 से बड़ा हो, राइट एंगल जिसमें 90 डिग्री बने, स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बने, कॉम्प्लीमेंट्री हमने पढ़ा दिया, सप्लीमेंट्री मैंने पढ़ा दिया। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगलों का सम अगर 90 है तो वो दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं बोलूँ सी डी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर सी 40 डिग्री है तो डी कितना होगा, तो सी डी का कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का 90 होना चाहिए, सी 40 है तो डी 50 हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और पाई बाई टू रेडियस बोलते हैं 90 को। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। फिर मैंने आपको पढ़ाए मेन जो हमने पढ़ना था, सेंटर क्या होते हैं, क्या हमने पढ़ना था, सेंटर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया मीडियन के बारे में, मीडियन होता है क्या, मीडियन से सेंटर कौन सा बनता है, मीडियन से बनता है हमारा सेंट्रॉयड। सबसे पहला सेंटर है सेंट्रॉयड, वो कैसे बनता है, वो गाइज बनता है आपका मीडियन से। तो मीडियन क्या होता है, ऐसी कोई भी लाइन जो क्या करे, सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांट दे, वो उसका मीडियन कहलाता है, मिडल कहलाता है, मीडियम।
तो क्या करना है, ड्रॉन करना है वर्टेक्स से। कहाँ से ड्रॉन करना है? वर्टेक्स से लेनी है लाइन, सामने वाली साइड पे ले जानी है और उसको दो हिस्सों में बांटे में लाइन। इसका मतलब मीडियन क्या होता है, ऐसे मीडियन जो भी आप लोगे वो वर्टेक्स से स्टार्ट करके सामने वाली लाइन पे जाके उस लाइन को दो हिस्सों में बांट देना है। जैसे ए डी एक मीडियन है, इसने बी सी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक जैसा बी ई एक मीडियन है, इसने ए सी को दो हिस्सों में बांट दिया क्योंकि ए सी के ऊपर बना हुआ है। तो इस पॉइंट से जो इंटरसेक्शन पॉइंट तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। समझ आई बात की? चलिए दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई गाइज, मैंने आपको बताया इन सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इन सेंटर के ऊपर सर्कल भी बनता है ट्राइंगल के अंदर। एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं तीनों एंगलों का बाइसेक्टर लूँ, मतलब तीनों एंगल को एक दो हिस्सों में बांटते हुए लाइनें खींचूँ, वो लाइनें तीनों पॉइंट पे यहाँ मिलेगी, डेड पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलूंगा, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा इन सेंटर। तो समझ आए इन सेंटर क्या होता है? चलिए सर हमें समझ आ चुकी है कि इन सेंटर क्या होता है, ठीक है, इन सेंटर आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमने एक सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दूर कर लेना। अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट इसको भी वर्टेक्स से लेकर सामने वाली लाइन पे, अगर मीडियन दो हिस्सों में बांटे तो वो मीडियन की बनती है, अगर सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर हम जोड़ देते हैं उसको बोला जाता है अल्टीट्यूड। उसको क्या बोला जाता है, अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा कोई भी पॉइंट जो इंटरसेक्शन से बनता है किसने, एक परपेंडिकुलर जो लाइनें होती है 90 डिग्री वाली लाइनों के मिलाने से, ये 90 डिग्री लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करती, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है, लेकिन ये नहीं करती, इसलिए इसलिए इसको सिर्फ क्या करना है, आपको वर्टेक्स से स्टार्ट करके सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर मिलाओ, उससे बनता है ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड कैसे बनता है सर, वर्टेक्स से लेके सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांटे वाली लाइन को मीडियन कहलाते हैं, और मीडियन के मिलने से क्या बनता है, सेंट्रोइड। वर्टेक्स से लेके सामने वाली लाइन पे अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँ उसको बोला जाता है अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड के मिलने से बनता है क्या, ऑर्थो सेंटर। दोनों बात क्लियर हुई, इन सेंटर तो क्लियर है कि एंगल बाइसेक्टर, उसका तो किसी के साथ भी पंगा नहीं है। बात करें अगर हम सर्कम सेंटर की, इसका फिर पंगा बनेगा। सर्कम सेंटर में क्या कन्फ्यूजन रहेगा, इसमें ये कन्फ्यूजन रहेगा सर्कम सेंटर में, सर्कल सेंटर में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि इसमें आपको क्या करना है, इसको वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करना है, इसको वर्टेक्स से स्टार्ट नहीं करना है, इसको स्टार्ट करना है लाइन के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है परपेंडिकुलर भी होना चाहिए बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मैंने बीसी का पहले बाइसेक्टर लिया परपेंडिकुलर, एक तो 90 डिग्री खींचा, और लेना भी कहाँ से, मिडल से जो दो हिस्सों में बांट दे, वहां से परपेंडिकुलर ले रहे थे हम ऑर्थो सेंटर में, लेकिन मीडियन दो हिस्सों में नहीं बांट रहे थे, ठीक है, दोनों फर्क समझिए। वहां पे परपेंडिकुलर ले रहे थे लेकिन वर्टेक्स के साथ मिलाना उसको, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है एक ऐसी जगह से जहाँ पे दो हिस्सों में लाइन को भी बांटे, और आगे सामने वाली लाइन से पार हो ना हो वो डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे वर्टेक्स से पार होते हैं, सिर्फ एक सर्कम सेंटर है जो वर्टेक्स से पार होगा नहीं होगा, दोनों डिपेंड करते हैं ट्राइंगल पे, ठीक है, वो पार हो भी सकता है उस वर्टेक्स से, नहीं भी हो सकता पास। क्लियर हुई? ये थे चारों के चारों सेंटर, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखना, कॉपी पे नोट डाउन करना, फिर हम अगली क्लास में इन सेंटर पकड़ेंगे, उसके क्वेश्चन बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी लिख के, फिर सेंट्रोइड पकड़ के क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉपर्टी लिख करके, और उसके बाद जब आप पेपर देखोगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सेंटर ऑफ ट्राइंगल से निकल जाएंगे, और ये एक डिफिकल्ट पार्ट था जिसको मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, इसको एज अ डेमो ले सकते हो, ठीक है, और मैथ रीजनिंग कंप्यूटर ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबकी मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे पूरे स्कोर आएंगे, ठीक है, आपकी क्वालिटी पूरी की पूरी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर कंप्लीट है हमारे पास विद नोट्स हैं, वो आपको पेड बैच में मिल जाएंगे। सो अगर आपको भी हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बाकी अगर आपको फ्री पढ़ना है तो जो हमारा जो भी हम फ्री कंटेंट देंगे वहाँ से आपको बुक्स खुद पढ़ के तैयारी करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, बाय बाय, टेक केयर।